नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और आज जिक्र श्रद्धालुओं की संख्या भारी, चार धाम यात्रा जारी। देवभूमि के दंगल में वापसी करेंगे, सीधे बहराइच का रुख कर लेते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। एक नाम लेते हैं, वह नाम है राम का नाम होता है, और अंतिम यात्रा भी निकलती है। तो राम नाम सत्य है कहते कह करके अंतिम यात्रा भी निकलती है, जहां राम हमारे सांस सांस में रग रग में बसाए बसे हुए हो, वहां राम को नकारने का मतलब भारत को नकारने जैसा है। अरे, भारत को नकारने वाले लोग भारत के हितेशी नहीं हो सकते, आपके हितेशी नहीं हो सकते, गांव गरीब किसान नौजवान महिलाओं के हितेशी नहीं हो सकते। और यही कारण था इनके समय दंगे होते थे। पिछले 7 वर्षों में तो यूपी में दंगे नहीं हुए, कर्फ्यू नहीं लगा। आज गरीब को उसका हक मिल रहा है। पैसा तब भी था, लेकिन तब बंदर बांट होता था। आज बंदर बांट नहीं, आज गरीब को उसका हक मजबूती से दिया जाता है, और माफिया पर नकेल कसी जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं। डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ को भारतीय जनता पार्टी ने और सहयोगी दलों ने प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच भेजा है। डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ भारतीय जनता पार्टी, राजभर पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, इन सभी दलों का प्रत्याशी है आपके बीच में। और इसके लिए हम लोग आए हैं आपके पास कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। एक कमल खिलेगा तो मोदी जी के खाते में जाएगा, मोदी जी का खाता, कि अब की बार 400 पार, अब की बार तो 400 पार में बहराइच भी एक होगा। और उत्तर प्रदेश की 80 सीट है, 80 में से एक सीट बहराइच की भी होगी। सहमत है बहनों भाइयों? आपको तो चौथे चरण में मतदान करना है, 13 मई को ही आपका चुनाव है। 13 मई को आपके पास अब बहुत कम समय रह गया है, मुश्किल से 2 दिन प्रचार का है। इन 2 दिन प्रचार के लिए आप अपना समय देंगे, पूरा समय देंगे, पूरा समय देंगे, घर घर जाएंगे। आनंद कुमार गौड़ के लिए कमल चुनाव चिन्ह पर मतदान के लिए लोगों से अपील करेंगे, करेंगे। और चुनाव के दिन पहले मतदान, फिर जलपान के संकल्प के साथ जुड़ेंगे, सभी लोग जुड़ेंगे, तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। बहराइच यानी कि चौथे चरण में मतदान होना है, अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आए। देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं। हिंदुओं के आस्था की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा यानी कि चार धाम यात्रा का आज से आगाज हो चुका है। अक्षय तृतीया पर्व पर हर हर महादेव के जयकारों के साथ बाबा केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 7 बजे खुल गए, और इसके साथ ही यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के भी कपाट विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ खुल गए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे। कपाट खुलने का जो साक्षी बनने के लिए हजारों श्रद्धालु पहले से ही चारों धामों में पहुंचे हुए हैं, और वहीं चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आलम ये है कि अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, और सरकार को उम्मीद है कि 75 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार चारों धामों के दर्शन के लिए आएंगे। और वहीं श्रद्धालुओं की बढ़ी हुई जो संख्या है, उसे सकुशल चारों धामों के दर्शन कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। विपक्ष ने सरकार पर चार धाम यात्रा के लिए कोई तैयारी न करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने पिछले सालों के अनुभव से कुछ सीख नहीं ली, और
अब की बार यानी कि इसकी वानगी है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर पर ही देखने को मिल रही है। इसके साथ ही डॉक्टर्स की समुचित व्यवस्था का ना होना, श्रद्धालुओं के ठहरने की उचित प्रबंध ना होना, ये तमाम अव्यवस्थाएं हैं जिसे विपक्ष गिना रहा है। सरकार ध्यान सिर्फ श्रद्धालुओं के आंकड़ों पर है, ना कि व्यवस्थाओं पर, इस बात का भी जिक्र करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सरकारी आदेशों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। दरअसल राज्य सरकार ने शुरुआती 15 दिनों तक वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाई है और ऐसे में मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर उपस्थिति होकर अपनी ही सरकार के फैसले का उल्लंघन किया और आज इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का शुक्रवार से आगाज हो गया और हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं और इस वर्ष की भी चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आलम ये है कि शुरुआत में ही अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। सरकार को उम्मीद है कि 75 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार चार धामों के दर्शन के लिए आएंगे और चार धामों के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को सकुशल चारों धामों के दर्शन कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सरकार की कोई तैयारी नहीं है, सरकार का ध्यान सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या पर है, ना कि व्यवस्थाओं पर। हम चारों धाम यात्रा जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम एमपी खरगोन से आए हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं किस तरह की हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है और हमको बहुत खुशी हो रही है वहाँ जाने के लिए। हम पहली बार आए हैं यहाँ। कितने लोग हैं? हम कम से कम 25 लोग हैं। हम सभी लोग पूरे साल भर करते हैं कि चार धाम यात्रा शुरू हो, बाबा केदार के कपाट खुले, भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले, यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुले और आज यहाँ पर बाबा बद्री विशाल के भी कपाट खुलेंगे। आज बाबा केदार के कपाट खुल रहे हैं, यमुनोत्री गंगोत्री सभी चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। इस अवसर पर यहाँ पर कपाट खुलने के अवसर पर प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष से भाई हिमांशु चमोली जी और उनकी टीम लगातार शुरुआत के दिनों में भंडारे का आयोजन करते हैं। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बाबा उन पर कृपा करें और आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी को प्रसाद ग्रहण करने का अवसर आप सबके प्रयासों से मिलता है। आज इस अवसर पर यहां पर उपस्थित हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष भाई अजेंद्र जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री महावीर पवार जी, श्रीमती मधु भट्ट जी और हमारे बीच में आज आसाम से चलकर बाबा के दर्शन करने के लिए हमारे आसाम के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत विश्व शर्मा जी की धर्मपत्नी श्री शर्मा जी भी यहाँ पर आए हैं। दो चीजें इसमें गंभीर है, आपकी बात पे मैं आ रहा हूँ। एक, वहाँ 20,000 से ज्यादा घोड़ों की आवश्यकता पड़ती है, जो अभी तक का रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए। इस बार केवल 5,000 घोड़ों को परमिशन दी जाएगी, ये बात वहाँ का प्रशासन कह रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, चारधाम यात्रा का इंतज़ार हमारे गांव के लोग करते थे उस इलाके के, और वो आपने देखा होगा जब हम केदारनाथ जाते थे तो छोटे छोटे खुमचे लगाए रहते थे, इससे यात्री को भी फायदा होता था, पानी मिल जाता था पीने को, मैगी खाने को मिल जाती थी, चने खाने को मिल जाते थे, बिस्किट बन मिल जाते थे, ताकि आदमी खाते पीते किसी तरीके से अपनी 21 किलोमीटर की यात्रा को, पैदल यात्रा को पूरा कर लेता था। इस बार स्थानीय लोगों को वहाँ स्टॉल, छोटे छोटे जो पन्नी लगा के होकर के स्टॉल लगाते थे, किसी को लगाने नहीं दिए जा रहे, और यह आरोप वहाँ के हमारे कार्यकर्ता लगा रहे कि साहब ये कुछ चुनिंदा लोगों को, जो इनके अपने कार्यकर्ताएँ हैं, उन लोगों को शायद बाद में परमिशन दे, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों को इस समय वहाँ स्टॉल लगाने की परमिशन नहीं दी जा रही, जो दुर्भाग्यपूर्ण। आपको बता दें कि 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही विधिवत चारों धामों के कपाट खुल जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही सरकार की टेंशन बढ़ गई है।
दरअसल केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य के तहत भवनों के आगे गड्ढों को बनाने से नाराज केदार सभा, तीर्थ पुरोहित समाज और हक हकूक अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज होकर केदारनाथ में अनिश्चितकालीन के लिए भी सभी व्यापारिकों और अन्य प्रतिष्ठान अनिश्चितकाल के लिए बंद कर रखा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं इस बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व तीर्थ पुरोहित समाज और हक हकूक अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज होकर केदारनाथ अन्य प्रतिष्ठान अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है और जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं इस बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सरकारी आदेशों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। दरअसल राज्य सरकार ने शुरुआती 15 दिनों तक वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाई है और ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर उपस्थित होकर अपनी ही सरकार के फैसलों का उल्लंघन किया है। कि सरकार के दावे हर बार खोखले होते हैं, सरकार अपनी पीठ थपथपाने के लिए अपने मुंह मियां मिट्टू बनने का काम जो है धामी सरकार करती है। अपने आप ही जो है अपने नंबर बढ़ाने के लिए रिकॉर्ड तोड़ संख्या दिखा देंगे, अपने आप ही दिखा देंगे कि रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए, पर जिस तरीके से यात्रियों को जो असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, पहले ही दिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के तीर्थयात्रियों की बात करूँ, चाहे मैं राजस्थान के श्रद्धालुओं की बात करूँ, चाहे मैं उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी के श्रद्धालुओं की बात करूँ, मैं बुजुर्गों की बात करूं, चाहे मैं विकलांगों की बात करूं, जिस तरीके से जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, जिस तरीके से अव्यवस्था पहले दिन ही जो है सामने उजागर होकर आई है, आस्था का केंद्र है चारधाम यात्रा, और ऐसे में ये सरकार सिर्फ खोखले दावे सरकार के हैं। देखिए, हम सब लोगों का सौभाग्य कि मुझे लगता है वर्ष दर वर्ष जो है श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ ही रही है और निश्चित रूप से इसमें एक सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो श्रद्धालु निश्चित रूप से पूरे देश विदेश से आते हैं तो वो जो मैसेज लेके जाते हैं तो अगली बार रिकॉर्ड उसका भी रिकॉर्ड टूट जाता है और ये बहुत अच्छी बात है। तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं चारधाम यात्रा को लेके, लगातार अधिकारियों से उनको दिशा निर्देश रहे, चाहे उनके पेयजल की सुविधा से लेके, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से लेके, तमाम तरह की जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसकी लगातार मॉनिटरिंग और दिशा निर्देश जिस तरह मुख्यमंत्री जी, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो यात्रा रहेगी वो बहुत ही बेहतर होने वाली है। कुल मिलाकर हिंदू आस्था की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा शुक्रवार से शुभारंभ हो गया है और श्रद्धालुओं में भी चारधाम यात्रा को लेकर काफी उत्साह है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर प्रदेश में पेयजल की कमी, वनाग्नि और तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी के बीच आखिर कैसे सरकार चारधाम यात्रा का संचालन व्यवस्थित तरीके से कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज चर्चा से बात को लेकर, क्योंकि बाबा केदार का दीदार करने के लिए जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं का जो रेला है वो निकला हुआ है चार धामों की इस यात्रा के लिए। गंगोत्री और यमुनोत्री की दर्शन की शुरुआत आज से आगाज हो चुका है और अब विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उन तैयारियों को लेकर, क्योंकि पिछली बार जो व्यवस्थाओं के दावे किए गए उनको लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे और एक बार फिर उन व्यवस्थाओं और अव्यवस्थाओं से कोई सीख सत्ताधारियों ने नहीं ली, ये सवाल भी उठाया जा रहा है। इसी को लेकर चर्चा करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उमेश सती जी हैं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही यूकेडिया प्रवक्ता अनिल थपलियाल जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, कुलदीप राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुनीता विद्यार्थी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता से कर लेते हैं, सुनीता जी से। सुनीता जी, तैयारियों को लेकर इस बार फिर से सवाल किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, तैयारियां क्या चाक चौबंद हैं इस बार? देखिए, सर्वप्रथम तो आप सभी को और पूरे देशवासियों को चारधाम के कपाट खुलने के लिए, जो दर्शनार्थ आज कपाट खुले हैं, उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और जहां तक सुविधाओं की बात है और व्यवस्थाओं की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने
अपना पूरा होमवर्क जो है वो कर लिया है। और अभी पिछले हफ्ते ही हमारी जो मॉनिटरिंग टीम है उन्होंने एक एक चीज वहां पे चेक की है, हर तरीके से वहां पे सभी सुविधाएं चाक चौबंद हो उसका पूरा जायजा माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद किया है। और लगातार जो है हमारी वहां पे टीम्स जो वहां पे बनी हुई है है, वो एक एक चीज की वहाँ पे बारीकी से देखरेख कर रही है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर, चाहे परिवहन को लेकर है, चाहे हमारी जी फिर इन व्यवस्थाओं को लेकर सवाल क्यों? हाँ, क्योंकि मैं उसी पर आ रही थी। देखिए सोनी जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही विरोध करना अब अपनी नियति बना ली है, और ये नियति इसलिए भी बन गई है क्योंकि इनके ऊपर जो आला कमान इनका बैठा है वो हमेशा ही सनातन विरोधी बातें करते हैं, तो उनका जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी को प्रभावित करता है। अभी आप देखिए आए दिन इनके, अभी सैम पित्रोदा की बातें ले लीजिए, बातें तो क्या थी, टिप्पणियां की हैं भारतवासियों पर वो अपने आप में इतनी निंदनीय है। दूसरी बात, इन्होंने उसके बाद जो है राहुल जी ने शक्ति को ललकारा, उसके बाद अभी मणिशंकर अय्यर जी देखिए क्या बोल रहे हैं। आज का विषय खैर डिफरेंट है, लेकिन आज मणिशंकर जी की बात बताना चाह रहा था सुनीता जी, मुद्दा ही नहीं है, अपने दुश्मन जो आपके देश है उनके साथ इज्जत से आप पेश आइए नहीं तो वो बॉम्ब गिरा देंगे। मतलब आप इनकी मानसिकता को देखिए, इन्हें तो निश्चित रूप से सभी को एक बार यहाँ पर आके भगवान के सामने नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए कि हम लोगों को सद्बुद्धि दें और हमारी बुद्धि सही से काम करे, ताकि ये जो मनगढ़ंत बातें और टिप्पणियां ये जनता के बीच में गुमराह करने की जो कोशिश इनकी है ये बिल्कुल बहुत ही खराब है। क्योंकि सोनी जी देखिए, विश्व स्तर के चार धाम हमारे पवित्र धाम है, हमारे विश्व स्तर के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और उन श्रद्धालुओं की अगाध श्रद्धा और उनके विश्वास पे कितनी बड़ी चोट कांग्रेस पार्टी करती है। अभी आज कपाट खुले हैं और आज ही इन्होंने रोना शुरू कर दिया। अभी आप विलाप देखते जाइएगा कि पिछली बार तो 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पे दर्शन करके पुण्य लाभ लिए थे। विपक्ष का सवाल है कि भाई डबल होने वाले हैं, सत्ता पक्ष की आंकड़ों पर नजर है ना कि उन व्यवस्थाओं पर नजर है जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कांग्रेस का ये मानना है कि भाई 20,000 घोड़ों की आवश्यकता होती है, 5,000 की प्रशासनिक स्तर पर अनुमति मिली है, जो स्थानीय लोग हैं उनको स्टॉल्स नहीं लगाया देने जा रहा है, और ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सवाल उठा रही हैं कि भाई ऐसा क्यों, क्योंकि जो श्रद्धालु पहुंचते हैं सुनीता जी उनको वो सारी सहूलियत दी जाए, पीने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एक पर्यटन लिहाज से अगर सोचा जाए, क्योंकि पर्यटक स्थल है, देवभूमि है, चार धाम का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि चार धाम यात्रा के लिए हम निकलेंगे, और अगर ऐसे में अव्यवस्थाओं से दो चार होना पड़ेगा तो एक मैसेज कैसा जाएगा। मुझे लगता है सत्ता पक्ष को इस बात को लेकर थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए। खैर, विपक्ष के सुनीता जी इस बात का जवाब लेंगे, पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं आशीष नोटियाल की। आशीष जी, आप लोग लगातार व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं, किस तरीके की अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि आगाज आज से ही हुआ है। देखिए सोनी मैडम, आपकी चैनल के माध्यम से भी आपने बताया कि वहां का व्यापारी वर्ग जो है और वहां के तीर्थ पुरोहित वो हड़ताल पर है, उन्होंने व्यापार बंद कर रखा है। अच्छा लगता है कि आज केदारनाथ का आज शुरुआत हो रही है हमारी, और कपाट खुल रहे हैं, पूरे देश के लोग वहां आ रहे हैं, और जो आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, वो नाराज हैं। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार ने इतने दिन तक संज्ञान क्यों नहीं लिया। काफी लंबा समय हो गया जब तीर्थ पुरोहितों ने कह दिया था कि अगर आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे, मांगे क्या, कोई घर में राशन थोड़ी करवा रहे हैं आपसे, मांगे ये जो आपने तोड़फोड़ मचा रखी है स्मार्ट प्रोजेक्ट के नाम पर, वो तोड़फोड़ को सही कर दो, सड़क बना दो, ढंग से कर दो, इससे तो जो लोग आ रहे हैं उनको भी फायदा मिलेगा, कोई व्यापारी का ही फायदा नहीं है, कोई तीर्थ पुरोहितों का फायदा नहीं है, उससे सबका फायदा है, राज्य का भी नाम होगा, आपकी व्यवस्थाएं भी दिखेंगी, सब चीज के लिए कह रहे हैं। तो ये एंड समय पर जब कपाट खुल रहे हैं, मंदिर ये लोगों के मकानों को उजाड़ देना, वहां पे सड़कों को तोड़ देना, ये कोई सही बात नहीं है। और उनकी जब नाराजगी है तो हमारा कर्तव्य है विपक्ष में होने के नाते कि कोई भी अगर नाराजगी दिखाता है, नाराजगी में रहता है, कोई समस्या होती है तो हम उसके साथ खड़े हैं। और काबिलियत गिनाने के लिए तो आप लोग बैठे हैं, सत्ता पक्ष तो हमेशा डिबेट में होता ही होता है, अच्छाई गिनाने के लिए आप लोग बैठे तो हैं, आप अच्छाई गिनाएं,
हम आपकी कमियां बताएंगे जिससे कमियां खत्म नहीं, हो बुराई को और वहां लेकर पर अगर व्यवस्थाएं अव्यवस्था बढ़िया है की तो जाए, भाई उसको व्यवस्था लेकर तो अच्छी बनेगी। विपक्ष की भी तो सतर्कता देखने को मिलनी चाहिए ना कि कितना गंभीर निश्चित है हमारा काम है विपक्ष इन ढूंढना, अव्यवस्थाओं को लेकर, उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। ढूंढ कर सत्ता पक्ष को बताना कि ये कमी है, इस कमी को दूर किया जाए तो और अच्छा है। ये जनता के फायदे की चीज है, हमारे पर्सनल फायदे की चीज नहीं है। इससे जनता को ही लाभ होना है और सरकार का ही नाम होना है। हम ये भी नहीं कह रहे कि लोग हमारा बहुत कहेंगे कि विपक्ष ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, सत्ता की व्यवस्था बोलेंगे हम तो। आप लोगों के हितैषी है, आप बुरा क्यों मानते हैं इस बात से कि हम अगर आप लोगों को बता रहे हैं कि वहां व्यवस्थाएं खराब है, तो उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। और निश्चित एक स्थानीय व्यापारी जो होता है, स्थानीय जो लोग हैं, 6 महीने काम करते हैं बेचारे जो वहां जब कपाट खुलते हैं और 6 महीने बेरोजगार होते हैं, वो उन लोगों की उम्मीद होती है कि जब कपाट खुलेंगे हम लोग भी जाएंगे और थोड़ा बहुत अपना कुछ उत्पादन बेचेंगे अपना, और हम भी कुछ 2-4 पैसा कमा के लाएंगे। अगर उनको वाकई आप लोग लगाने नहीं दे रहे हैं उनके फंड जिस तरह से वो लगाना चाहते हैं, उनको व्यवस्था जैसे हमने देखा जब भी पहाड़ों में जाते हैं तो कहीं कहीं कोई बोलता है बेल का जूस बेच रहा, कोई बुरांस का जूस बेच रहा, कोई कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं इंतजार होती है। होता गांव है, के स्थानीय फल जो होते हैं, व्यवसायी हैं गांव के छोटे-छोटे, उनको उत्पाद होते इंतजार हैं, होता है दालें कि अगर होती हैं, चारधाम लगी यात्रा की रहते हैं, शुरुआत होगी तो तो निश्चित जाहिर सी मौका बात है दिया उन्हें जाना रोजगार चाहिए उन मिलेगा। लोगों को भी। ठीक बात, इत्तेफाक रखते हैं इस बात से। अनिल थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं, यूकेडी प्रवक्ता। अनिल थपलियाल जी, चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या पिछले जो आंकड़े रहे श्रद्धालुओं के या पिछले जो खामियां नजर आई, क्या उसको सुनिश्चित करते हुए सत्ता पक्ष इस बार कुछ उससे सीख लेकर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया, या फिर स्थिति जस की तस है, क्या देख पा रहे हैं? देखिए सोनी जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम चैनल को और पैनलिस्ट जितने बैठे हैं उनको अक्षय तृतीय और बाबा कपाट केदारनाथ के कपाट खुलने का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका भी स्वागत है, आप भी आए जी, बिल्कुल, और हमारी बिल्कुल। देवभूमि में हमारा गौरव हमारा मान बढ़ाएं। बिल्कुल, हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है इस पल का कि अब यात्रा शुरू होने वाली है। चार धाम देश के सर्वश्रेष्ठ धामों में है चार धाम उत्तराखंड। बिल्कुल, आप ये बताइए कि इस समय जो चार धाम की बड़ी संकट है वो ये मंडरा रही है, पेयजल एक सबसे बड़ी समस्या है, दूसरा वन अग्नि से हम गुजर रहे हैं उसकी बड़ी समस्या है वो आपदा की, और केदारनाथ में इन तीन चुनौतियों के बीच ये यात्रा होगी। केदारनाथ में इस समय जो स्थानीय व्यापारी थे जिनके साथ जिनके वो दुकान ठेले वगैरह अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी कह रहे थे तोड़फोड़ की गई है, तो वो उनका पुनर्निर्माण नहीं होने के कारण वो लोग आक्रोश में थे। उन्होंने अपील भी की थी सरकार से कि भाई अभी यात्रा को रोक दिया जाए या बाद में किया जाए, पर इसके बावजूद भी ये तीन चुनौतियों के बाद अगर यात्रा हो रही है तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा सौभाग्य कि हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये चुनौतियां छोटी मोटी नहीं है, इनसे निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं? अभी देखिए आप, अगर यात्रा शुरू हो गई है तो हमें कहीं पे मेडिकल कैंप देखने को नहीं लग रहा है, हमें कहीं पे पानी की व्यवस्था ऐसी नहीं लग रही है कि जो प्रॉपर उनको सुचारू रूप से वो पिकनिक स्पॉट बना देते हैं उसको बाद में यात्री आते हैं, क्योंकि कोई प्रशासन की तरफ से कोई हार्ड स्टिक कदम होता नहीं है तो वो पिकनिक स्पॉट बन जाता है फिर चारधाम। और इसके बाद इनकी खाने पीने की व्यवस्था क्या है, यदि अगर बरसात हो जाती है ठंड वहाँ पे केदार बाबा में के जो टेंपल मंदिर है वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, उनके लिए क्या व्यवस्था है रात्रि के लिए दिन के लिए, और गंगा जल की धूप, कई रोजगार के साधन भी हमारे स्थानीय लोगों के खुल जाते हैं। बिल्कुल, व्यवस्थाएं कैसी हैं ये तो हम सभी जानते हैं, स्थानीय जनता जानती है, क्योंकि हमसे बेहतर वहां के पुरोहित जानते हैं जिन पुरोहितों ने इस यात्रा का विरोध किया है। बिल्कुल, तो ये बड़ा नाराजगी निकलकर सामने आ रही है उन पुरोहितों की। हालांकि तीर्थ पुरोहित जुड़ते हैं अगर उमेश सतीश जी, तो जरूर जानेंगे उनसे कि आखिर किस तरीके की दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को लेकर आपकी नाराजगी को क्या संज्ञान में लिया गया सत्ता पक्ष की तरफ से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं, साझा कर लेते हैं, कुलदीप राणा जी का रुख करते हैं। कुलदीप राणा जी, चारधाम की व्यवस्थाओं को आप कैसे देख पा रहे हैं, कितनी व्यवस्थित आपको नजर आ रही है? देखिए सोनी, आज चारधाम यात्रा की, उत्तराखंड के चारधाम यात्रा की आज शुरुआत हुई है, और चूंकि ये पहला दिन है तो मैं समझता हूँ कि हमें ज्यादा सवाल खड़े नहीं करने चाहिए, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है तो हमें मालूम नहीं है कि चीजें क्या हैं वहाँ पे स्थित रूप से, अभी से हम उसका आकलन नहीं कर सकते हैं।
लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अभी केदारनाथ में आज जब कपाट खुले तो वहाँ के कुछ विजुअल्स मैंने देखे हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी रहे, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री अपने सपरिवार वहाँ दर्शन करने गए हुए थे और कुछ एरियल शॉट्स जो आए तो वो बड़े चिंताजनक थे, क्योंकि वहाँ जो क्राउड वहाँ पहुँचा था, जो भीड़ वहाँ पर उपस्थित थी, वो भीड़ मेरी चिंता बढ़ा रही है। क्योंकि हमने अभी 10 साल पहले केदारनाथ को आपदा में सरोवर पाया है, ठीक है, केदारनाथ की आपदा ने विश्व पूरे विश्व को झकझोर के रखा है। बिल्कुल, ऐसे में जो एक सस्टेनेबल टूरिज्म यात्रा होनी चाहिए उसकी दिशा में ये जो शुरुआती कदम है ये चिंताजनक है। हमें कल परसों पता चला कि ऋषिकेश में जो रजिस्ट्रेशन सेंटर है वहाँ पर जो यात्री हैं उनके साथ पुलिस के साथ उनकी झड़पें भी हुई, क्योंकि वो उतना मतलब वो व्यवस्था उतनी पुख्ता नहीं हो पाई जितने दावे सरकार कर रही थी। और सरकार को भी ये मालूम है कि भाई हमारे यहाँ रिकॉर्ड तोड़ दर्शनार्थी क्राउड आ रहा है, क्योंकि अब मैं दर्शनार्थी या इनको वो यात्री इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, एक तो एक ये बड़ी गलती हमारी सरकारों की तरफ से हुई है कि हमने चारधाम यात्रा को तीर्थाटन की बजाय पर्यटन में ज़्यादा कन्वर्ट कर दिया है। और वहाँ जो क्राउड आ रहा है, क्योंकि देखिए हम सब यहाँ पहाड़ के रहने वाले हैं, मैं समझता हूँ जितने यहाँ जो चाहे प्रवक्ता विभिन्न दलों के ये बैठे हुए हैं, और मैं भी खुद उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मैं तो स्वयं बद्रीनाथ के उसके का रहने वाला हूँ, वहीं चमोली डिस्ट्रिक्ट का, तो हमने यात्राओं के उस स्वरूप को देखा है जो जिसको यात्रा का स्वरूप मूल स्वरूप कहा जाता था। लेकिन अब जिस तरीके से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं तो पहले तो हमें ये व्यवस्थित करना होगा कि तीर्थाटन और पर्यटन बिल्कुल इन दोनों को मिलाना नहीं होगा, क्योंकि जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनमें से उनका भक्ति भाव कुछ नहीं है। आपने आपके ही चैनल पे मैं अभी देख रहा हूं कि जो विजुअल चल रहे हैं उसमें केदारनाथ में कई लोग लंबी लंबी स्टिक्स पे वो छोटे जो आजकल कैमरे जो शूट करते हैं सोशल मीडिया के लिए उनकी भरमार लगी हुई है, ठीक है। तो ये जो अपने अपने उसके लिए टीआरपी के लिए जो लोग जा रहे हैं वहां पे व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए इन्होंने, अब देखिए यात्रा रूट में ये पहाड़ी क्षेत्र है, कितना दबाव होगा। अब आपको लगता है क्या, मैं भाजपा की प्रवक्ता से जानना, वो बेहतर बता सकती हैं इस बारे में कि जितना क्राउड आज वहां दिख रहा था क्या इन लोगों के रात के रुकने की वहां व्यवस्था हो पाएगी, हुई होगी? एक छोटी सी बात है, आप ये एक छोटा सा सवाल है, आप देखिए कि इतने लोग वहां होंगे, अगर ये वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, वो उसका वहां का जो पवित्र वातावरण है, शौच की क्या व्यवस्था होगी? बिल्कुल, आप सोच के देखिए चीजें कितनी प्रभावित करती हैं। लिमिटेशन तय करनी होगी, साथ ही आंकड़ों से खुशी हो रही है सत्ता पक्ष को या फिर चिंता करने की जरूरत है, ये अहम सवाल है। क्योंकि अगर भीड़ का ये आंकड़ा, श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा बढ़ता है तो वाकई ये चिंताजनक है, क्योंकि जो वहाँ की स्थितियाँ हैं उत्तराखंड की, जो भौगोलिक स्थिति है, वो अभी वनाग्नि की घटनाएं, पानी की किल्लत, और ऐसे में चारधाम यात्रा का आगाज और इसको लेकर विपक्ष के वो तमाम सवाल और व्यवस्था कितनी सुनिश्चित है, इसको लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वो जख्म लोगों के जहन में मौजूद हैं, और जब जब चारधाम यात्रा का आगाज होता है तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है उन व्यवस्थाओं को लेकर कि क्या अगर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो क्या इतनी व्यवस्थाएं पर्याप्त और सुनिश्चित की गई हैं सत्ता पक्ष की तरफ से। सुनीता विद्यार्थी जी का रुख कर लेते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी, क्योंकि आंकड़े बढ़ जाते हैं, ये आंकड़ा बढ़ने के लिए, ये कहने के लिए काफी है कि ठीक है आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला, ये खुशी की बात है, इसे खुशी के तौर पर देखना, लेकिन एक चिंता इस बात को लेकर कि क्या अगर आंकड़ों में इजाफा होता है तो व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं सरकार की तरफ से?
बिल्कुल सोनी जी, देखिए जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन श्रद्धालुओं का हुआ है, जिन श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनकी तमाम वहां पे उनको सभी सुविधाएं दी जा रही हैं और लगातार उनको हर चीज से हमने अवगत भी कराया। ये जो अभी आपने ऋषिकेश वाली बात कही थी कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स आए हैं, तो ये आप ही के सवालों का जवाब है कि वहां पे जिस तरीके से आप चिंतित हैं कि भाई बहुत ज्यादा संख्या ना हो जाए, लेकिन एक मुझे थोड़ा सा कुलदीप जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि उन्होंने कहा एक सस्टेनेबल यात्रा होनी चाहिए, वहां पे जो भीड़ है वो उनका आकलन होना चाहिए, कौन श्रद्धालु है, कौन वहां पे ब्लॉगर है, या किसकी श्रद्धा कम है, किसकी ज्यादा है। मैं श्रद्धालुओं की नजर से देखे सरकार, लेकिन क्या रात के रुकने का इंतजाम, शौच की पर्याप्त व्यवस्था, पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था है सुनीता जी? भाग्यशाली है वो लोग जो वहां पे पहुंचे हुए हैं, वो उनका सौभाग्य है। देखिए हम तो, मैं यही कहूंगी कि हम तो अभी तक अभागे हैं कि हम वहां पे आज नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम लोग वहां पे जैसे ये जितनी भी संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, सारी चीजों की फैसिलिटीज हैं और श्रद्धालु जो हैं, देखिए सभी लोगों ने अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन करवाया है। जब सभी को सारी सुविधाएं वहां पर रहने की, खाने की, पीने की हर तरीके से मुहैया है, तभी वो लोग वहां पे गए हैं, क्योंकि सबसे पहले तो व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा, उसके बाद ही वो कोई निर्णय लेगा। तो यहाँ पे इस बात से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट डे था। और जिस प्रकार से आप देखिए कि सनातन धर्म की तरफ जो अगाध श्रद्धा बढ़ी है, मैं तो यही कहूंगी कि बढ़ी है पहले के कंपैरेटिवली और अब के कंपैरेटिवली में बहुत फर्क है। तो ये कंपेयर करना होगा, क्योंकि पहले हमारे बुजुर्गों को हमने देखा है कि वो जब अपना सर्व पूरे जीवन यापन कर लेते थे, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए चार धाम यात्रा करते थे और अपने आप को भाग्यशाली मानते थे कि भाई हम ऊपर जाने से पहले एक बार दर्शन जरूर कर ले, तो ये एक महत्व रहता था। लेकिन आज जो है, ये बात इस बात से अग्री करती हूँ कि पर्यटन जो है, पर्यटन और तीर्थाटन जो है वो अलग अलग है। निश्चित रूप से जो धार्मिक पर्यटन है उसमें धार्मिक पर्यटन ही होना चाहिए और जो तीर्थाटन है उसका स्वरूप बना रहना चाहिए धार्मिक तौर पर। लेकिन ये जो बाकी हम लोग कह रहे हैं, आज इतनी जो टेक्नोलॉजीज है इतनी आ गई है कि हर व्यक्ति चाहता है अगर मैं वहां जा रहा हूं। देखा जाए तो अभी जो चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई, अभी इससे पहले वनाग्नि में अभी तक नियंत्रण नहीं हो सका है, पानी की किल्लत की समस्या को लेकर भी चर्चा की जा चुकी है, और ऐसे में अब चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। जो स्थानीय लोग हैं, कंप्लीट कर लूँ इसके बाद आप बोलिएगा, जो स्थानीय लोग हैं उनको इंतजार रहता है इस बात का कि अब चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी, तो ऐसे में अब रोजगार के अवसर उन्हें मिलेंगे, और ऐसे में उन स्थानीय जो छोटे छोटे रोजगार के लोग जो स्टॉल्स लगाते हैं खाने पीने की चीज़ों के या कुछ और तरीके के, तो ऐसे में उनको रोका गया या उनको वो मौका नहीं दिया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे, ऐसा क्यों? सुनीता जी आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा। जी 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 देखिए सोनी जी, मैं जो अभी वनाग्नि की बात कह रहे हैं और पेयजल की बात कह रहे हैं, देखिए जो हमारे तीर्थ स्थल है वहां पे ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, श्रद्धालुओं को बरगलाइए नहीं। और ये जो इन्होंने बात करी ना बिजनेसमैन के स्टॉल नहीं लगने दे रहे हैं, देखिए उनको कौन बरगला रहा है सुनीता जी? वो अपने स्टॉल लगा के अपना जीवन यापन करें। पंडा पुरोहित हमारे लिए बहुत पूजनीय हैं, उनको इस तरीके से रिलेट ना कीजिए। हाँ, अगर उनके पास कोई ऐसा संज्ञान में आया है, क्योंकि वहां की जो स्थानीय समस्याएं होती हैं सोनी जी, वो हम लोग सबसे पुरोहित पहले भी तो नाराज हैं, क्या उनकी नाराजगी से इत्तेफाक है सुनीता जी? जी पुरोहितों की नाराजगी से इत्तेफाक रखती है? नहीं नहीं देखिए, अगर पंडा पुरोहित हमारे किसी भी प्रकार से अगर इस तरीके से किसी समस्या से जूझ रहे हैं, निश्चित रूप से उनसे बात होनी चाहिए, उनकी बातों का समाधान पहले होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि देखिए, ये केदारनाथ में किसी की मकान उजाड़े, केदारनाथ में कहीं किसी के स्टॉल नहीं लगने दिए, ये सारी चीजें जो है, जो बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण हो रहा है वहां की समस्या को ये रिलेट कर रहे हैं, लेकिन गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ धाम के जो आज तीर्थ कपाट खुले हैं वहां पे ऐसी कोई समस्याएं नहीं है।
हैं, लेकिन जहाँ पे ये जो बिजनेसमैन के जो स्टॉल की बात आ रही है सोनी जी, ये पुनर्निर्माण का हिस्सा है जो उनको बेहतर से बेहतर बनाकर देंगे। तो इसमें अगर वो ये कह रहे हैं कि नहीं यात्रा मत करवाओ, अभी लेट करवाओ, तो फिर यही कांग्रेस से जो बाद में पूछेगी कि भाई क्यों नहीं आपने समय से करवाए, आपके पास क्या तंत्र नहीं था। तो ये सारी चीजें जो देखिए डिबेट में तो अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली वहां पे क्या चीजें हैं वो समझना ज्यादा जरूरी है। श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा आए, उनको किसी प्रकार से गुमराह न करिए। इस बात के जवाब भी लेते हैं आशीष नोटियाल जी। हकीकत से वास्ता रखती है सत्ता पक्ष, देखा जाए। अभी आपने सुनीता जी की बात सुनी होगी, पुनर्निर्माण का जो हिस्सा है उससे जोड़कर देख रही हैं, जो स्थानीय लोगों को स्टॉल्स नहीं लगाने दिए जा रहे हैं। विपक्ष खामेखा इसे मुद्दा बना रहा है। देखिए सोनी मैडम, कई दिन पहले भी मैं डिबेट में बैठा था जिसमें ये बात हो रही थी कि तीर्थ पुरोहित वहां का नाराज है, जो कह रहा है हमारे घर के आगे की जगहों में गड्ढे गड्ढे कर दिए हैं। तो शायद सुनीता मैडम के नॉलेज में ना हो, लेकिन हम तो डिबेट में बैठे थे, हमें तो पता है इस बात का। और वहां से पंडा पुरोहित भी आए थे आपकी डिबेट के माध्यम से, तो निश्चित ये हुआ है। तभी हम कह रहे हैं देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जनता को दर्द होगा तो हमें उससे डबल दर्द होगा, क्योंकि हम विपक्ष हम जनता का दर्द नहीं देख पाएंगे। आप तो सत्ता पक्ष के नशे में चूर हैं, आपको तो अच्छा ही अच्छा दिखेगा सब कुछ, पर हमें नहीं होगा मैडम। हम सत्ता पक्ष के नशे में नहीं है, हमें तो दुख, जिसको दुख होगा वो आदमी दिखेगा हमें, और हम उसके दुख को बढ़ा चढ़ाकर आपको बताएंगे। किसी आदमी को दुख है जिससे उसका दुख दूर हो सके, उसके लिए हम काम करेंगे। जरूरी नहीं था कि जब यात्रा शुरू हो रही है उस समय आप तोड़फोड़ कर दें और जो बन बनाई व्यवस्थाएं हैं उनको खराब करने का काम कर दें। हमें पता है आप लोगों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मार्फत पैसा खाया है, तो आपको उन्हें धंधा देना है, और धंधा देने के लिए बन बनाई सड़कों को तोड़ने का काम करना है। आप तोड़ेंगे सड़कों, जिन्होंने 70% खाया और वो कह रहे 25% वालों को कि आपने खाया है। हम पता है हमें कितना खाने का काम तो कांग्रेस पार्टी करती है आशीष भाई, खाने पीने का काम तो कांग्रेस पार्टी का है, ये मनसूबे उन्हीं के होते हैं। भगवान के मन में इसको रिलेट मत कीजिए, यहाँ पे लोगों के मन में पाप है। आपके पास तो 70 वर्षों तक सरकार रही है आपकी, आपने तो कितना लूटा खसूटा खाया पिया, बेहतर जानते हैं। कले दिल से लगाता है और कौन राजनीति से लगाता है हम जानते हैं। आप लोग राजनीति के लिए भगवान का प्रयोग करते हैं, हम दिल से भगवान को मानने वाले थे। तो वहाँ बिल्कुल बिल्कुल आप लोग तो सब क्या बन जाएं आपके, तो राहुल बाबा तब राहुलेश्वर बन जाए, पता नहीं चलता है। पता है जो लोग गाय को मारते हैं एक्सपोर्टर हैं उनसे भी आप धर्म को ढोंग करते हैं, और फिर उसके बाद उसी शक्ति से लड़ने की बात भी करते हैं। तो आपका तो आधार ही नहीं है कुछ भी, और होगा कैसे, संस्कार ही नहीं है। भारतीय संस्कार लाने पड़ते हैं भाई, भारतीयता सीखनी पड़ती है। वहाँ की बातें क्या बताने, किस किस से आपने पैसा खाया, हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार। ठीक है, चारधाम यात्रा पे लौटते हैं, चारधाम यात्रा पे लौटते हैं, मुद्दे पर लौटते हैं। आशीष नोटियाल जी मुद्दे पर रहकर बात करते हैं, यूकेडी प्रवक्ता अनिल थपलियाल जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल थपलियाल जी, अभी कांग्रेस का जो दर्द छलक रहा था व्यवस्थाओं को लेकर, अभी आपने आशीष नोटियाल जी को सुना, क्योंकि जनता का जो दर्द है वो कांग्रेस देख नहीं पाती, और शायद इसीलिए आज विपक्ष में है कांग्रेस, क्योंकि अब सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, और ऐसे में अब चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुनर्निर्माण का जो जिक्र किया गया, क्योंकि जो पुरोहित हैं पंडा पुरोहितों की नाराजगी भी इसी बात को लेकर है कि किस तरीके से ये गड्ढे किए गए, तमाम उन व्यवस्थाओं को लेकर सवाल, क्योंकि आप क्षेत्रीय पार्टी हैं तो बेहतर आपको पता होगा कि किस तरीके से जो नाराजगी है, क्या उस नाराजगी से सत्ता पक्ष इत्तेफाक रखता है। अनिल जी, जी जी जी, देखिए ऐसा है कि ये तो सत्ता के नशे में चूर हैं, और इनको 16 जून 2013 का इतिहास भी नहीं भूलना चाहिए। और जब ग्लेशियर फट के आया था तो न जाने कितने लोग वहां पे और किन किन प्रदेशों के थे, खुद हमारे लोग भी जो थे उनको कुछ अता पता नहीं मिला, कई रिलेशन हमारे भी थे उसमें, रिलेटिव लोग हमारे भी थे। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आप कह रहे हैं कि 22 लाख श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और जो आने की संभावनाएं हैं श्रद्धालुओं की, यात्रियों की, वो 75 लाख तक है। आप 2-3 लाख यात्रियों का, जैसे कि अभी राणा जी पत्रकार जी ने कहा है कि भाई
वहां पे आज की भीड़ को देख करके जो अनियंत्रित थी, बिल्कुल कमांड में नहीं थी, शासन प्रशासन नहीं थे, तो उसको देख करके तो लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ तो कुछ ना कुछ बात तो है कि अव्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से नहीं है। आपने बीबीआईपी का जो 15 दिन का प्रतिबंध लगाया था, कोई भी बीबीआईपी 15 दिन तक वहां पे यात्रा नहीं करेगा बीबीआई के रूप में, बीबीआई के तौर पे, तो आप खुद ही जो है पूरी उसके साथ दल बल के साथ अपना वहां पे, अपने ही पार्टी का अपना ही फैसला आपने उल्लंघन कर दिया और वहां पे पहुंच चुके हैं, तो फिर दूसरे को क्या प्रतिबंध करेंगे आप? ये ऐसा तो है नहीं कि उत्तराखंड से केवल एक ही प्रदेश में यात्री आते होंगे, श्रद्धालु आते होंगे दर्शन के लिए। भाई ये तो राष्ट्र के, हमारे भारतवर्ष के संपूर्ण राज्यों से सब लोग आते हैं, और इतनी बड़ी संख्या आप दिखा रहे हैं, तो इतनी बड़ी संख्या के लिए व्यवस्थाएं क्या हैं? व्यवस्थाएं तो कहीं दिख नहीं रही हैं। व्यवस्थाएं पता भी तो चले क्या व्यवस्थाएं, बोलने से, डिबेट में चर्चा करने से व्यवस्थाएं थोड़ी उपलब्ध होंगी? रजिस्ट्रेशन में कल जो राणा जी ने बताया, तमाम हमारे अखबारों ने छापा है और प्रमुख पृष्ठ की खबर है वो, कि भाई तुमने कमेंटमेंट कुछ किया यात्री से, और पैकेज कुछ था, बोला कुछ है, हुआ कुछ है, तो सारी चीजें हैं, अव्यवस्थित हैं। और जो लोग अभी पंडा वाली बात थी, पुरोहित वाली बात, हमारी भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि भाई आप पंडा पुरोहितों की जरूरत नहीं है। देखिए, एक साल से उनका बड़ा इंतजार रहता है, क्योंकि बिल्कुल उनके पीछे, उन पंडा पुरोहितों के पीछे हमारे करीबन उसमें हजारों सभी लाखों आते लोग हैं, जो व्यवसायी, छोटे बड़े स्थानीय लोग व्यवसायी हैं, भी आते हैं, होटेलियर्स भी आते हैं, जिनको इंतजार रहता है इस बात का। इंतजार रहता है, और छोटा छोटा जो रोजगार होता है उनका, किसी का धूप अगरबत्ती गंगा जल जैसे मैंने बताया, और प्रसाद के रूप में, और विभिन्न प्रकार की सामग्री को, खाद्य सामग्री को एकत्रित करके वो स्टॉल लगा के बेचते हैं। तो आपने उनकी नहीं से बात पंडा पुरोहित की नहीं है, तो आश्रित तो पंडा पुरोहित पे ही है। जब पंडा पुरोहित उनका विरोध करेंगे तो व्यापारी संघ तो करेगा करेगा। बिल्कुल आपने इस चुनौतियों के बाद भी, जैसे मैं पुनः बता रहा हूं, इन तीन चुनौतियों, अग्नि का, वन अग्नि का, पेयजल संकट का, और इसके बाद आपका ये क्या नाम है, व्यापारियों का विरोध, इसके बाद भी आपने यात्रा शुरू करी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्यवस्थाएं तो पहले आपने उन यात्रियों की बात, उन व्यापारियों की बात तो सुन लेते हैं, ताकि यहाँ से प्रदेश, ये एक देवभूमि है और इसका बड़ा संदेश जाता है, क्योंकि एक मैंने कहा ना, एक जगह से तो आता नहीं यात्री, विभिन्न प्रदेशों से आते हैं, विभिन्न प्रांतों से यात्री श्रद्धालु आते हैं, और बड़ी आस्था, बड़ा आस्था का केंद्र है बिल्कुल के चार धाम, तो लोग निश्चित तौर पर है कि लोग आस्था लेके आते हैं और आशीर्वाद लेके जाते हैं, तो ये प्रदेश का बदनाम हो जाता है इसमें कि भाई वहां पे व्यवस्थाएं नहीं थी। और बाद में होता क्या है कि जो लोग यात्रा के रूप में नहीं आते बिल्कुल हैं, श्रद्धालु के रूप में नहीं आते हैं, वो पिकनिक स्पॉट बना देते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन का कोई कड़ा इंतजाम नहीं होता है। तो ये भी एक पार्ट है आपका, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, यदि आपने, ठीक है, आपके पास इस सरकार बात के है जवाब ले प्रदेश लेते हैं जल्दी से सुनीता जी से, इसके बाद कुलदीप राणा जी का रुख करेंगे। सुनीता जी, इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं प्रशासनिक स्तर पर, इसके बाद राणा जी का रुख करते हैं। देखिए सोनी जी, आज प्रथम दिवस था, कपाट आज खुले, और आज के दिन जो आप इतने श्रद्धालुओं को वहां देख रहे हैं, ये ही सबसे बड़ा व्यवस्था का पुख्ता सबूत है। क्योंकि अगर व्यवस्थाएं नहीं होती तो इतने लोग वहां कैसे पहुंचते। अब रही बात इनकी चिंता की कि भाई वहां पे जो है पिकनिक स्पॉट ना बन जाए, तो देखिए ऐसा है, सरकार की तरफ से पहले ही अपनी गाइडलाइंस में क्लियर कर दिया है कि जो भी वहां पे ब्लॉगिंग करता हुआ पाया जाएगा, या कोई किसी भी तरीके से अनैतिक कार्य करता हुआ पकड़ा जाएगा, या अपनी यूट्यूबरी के लिए वो स्पेशली वहां पे आया है, तो उनको वहां पे बख्शा नहीं जाएगा, ये पहले ही कह दिया गया है। मुझे ये समझ नहीं आता कि जो गाइडलाइंस हैं उनको भी हमारे साथी पढ़कर आए तो उनको पता चल जाएगा कि सरकार ने क्या क्या सुविधाएं वहां पे मुहैया की हैं, या फिर भाई एक बार दर्शन जरूर करा लेने चाहिए ताकि उनके ये मन मुटाव भी दूर हो जाए कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं तो ये कहूंगी कि देखिए सभी सुविधाएं हैं, मैंने जैसे आपको बोला, सभी हमारे, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो हमारे डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, हमारे बीपी चेकर, हर एक प्रकार से, किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, कईयों को एसिडिटी की दिक्कत हो जाती है, कईयों को ठंड लगने से जो मौसम चेंज होता है, कई तरीके की जो कितने चीजें, मेडिकल कैंप लगाए गए हैं सुनीता जी,
क्योंकि ये आंकड़ा जो है 22,000 श्रद्धालु अब तक पहुंचे और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ जाएगा और आशंका अनुमान भी आकलन भी किया जा चुका है कि इतना आंकड़ा बढ़ सकता है, तो उस आधार पर ये व्यवस्थाएं जो हैं वो काफी होंगी। बिल्कुल डेफिनेटली अगाध श्रद्धा के साथ में श्रद्धालु आए और हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग हर स्तर पर उनको हर प्रकार से सुविधाएं देने में सक्षम है और हमने किया भी है और करके भी देंगे। और पहले ही हमारा माइंड सेट है कि इस बार जो है ये श्रद्धालुओं का आंकड़ा दुगना हो सकता है, तो हमारे अधिकारी हमारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चकाचौंध है, आप किसी प्रकार की फिक्र ना करें। और अगर आपको ज्यादा ही प्रूफ चाहिए तो एक बार दर्शन जरूर कर लें ताकि आप लोगों का भी मार्गदर्शन करें, लोगों को गुमराह ना करें। ठीक है कुलदीप राणा जी, वो तमाम अहम जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से या यूकेडिया जो प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी, वो जिस बात का जिक्र कर रहे थे व्यवस्थाओं को लेकर, पंडा पुरोहितों की नाराजगी, व्यवसायियों की नाराजगी और इन तमाम चुनौतियों के बाद चार धाम यात्रा को सुनिश्चित और व्यवस्थित संपन्न कराए जाने का जो जिक्र कर रहा है सत्ता पक्ष या सुनीता जी जो कर रही हैं, क्या लगता है व्यवस्थित रहेंगी सारी व्यवस्थाएं? क्योंकि ये आंकड़ा छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़नी है। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि उत्तराखंड में यात्रा में लोग आ रहे हैं। सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो सरकार की खामियों को लेकर के नहीं उठाए जा रहे हैं, वो इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि व्यवस्थाएं जो कमी रह गई है, जो शासन तंत्र सरकार से छुपा रहा है, उन कमियों को हम लोग उनके सामने रख रहे हैं और सरकार को चाहिए कि उनको वो धैर्यपूर्वक सुने और उनको सुधारे ताकि व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जा सके। ठीक है, सुनीता जी का कहना है भाई खामियां इतनी नजर आ रही है तो आप पहले दर्शन करिए, इसके बाद आप बताइए कि क्या व्यवस्थाएं हैं। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल सोनी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा जी। बिल्कुल, अभी सुनीता जी ने, सुनीता बहन ने जो पहले कमेंट किया था, पहले जो बात कह रही थी वो मेरे, जब आपने मेरे बात उनसे पूछा था जी, और उसके बाद अभी जब मैं, अभी मुझसे पहले जब आपने उनसे पूछा तो उनके जो दोनों बयान थे उन दोनों बयानों में एक फर्क आ गया था, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी की जो मीडिया टीम है उनको, उन्होंने उनको तुरंत अपडेट दे दिया होगा तो उन्होंने उसको काफी चीजों को सुधारा है। क्योंकि जो वो ब्लॉगिंग वाली, मैं जब तीर्थाटन और पर्यटन को लेकर के बात कर रहा था और मैंने जो ब्लॉगिंग जो सवाल उठाए थे सोशल मीडिया वाले, है ना, क्योंकि इस पर तो स्वयं पिछली बार जो BKTC के चेयरमैन हैं उन्होंने भी वहां नोटिस लगाया था, कार्रवाइयां भी हुई, उस पर रोक लगी है वहां पे, तो शायद ये भूल जाते हैं या चीजों को लेकर के वो उनकी टीम ने उपलब्ध करा दी। देखिए हम राज्यवासी हैं और इसके विरोधी नहीं हैं। पहले तो भाजपा को अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए, भाजपा प्रवक्ता को ये दिमाग से निकाल देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक विजुअल दिखा रहा हूँ, एक फोटो दिखा रहा हूँ, हो सके तो आप सब देखिएगा, ये आपके कैंपस में, ये शायद जो हम लोग अगर यात्रा पे गए हों तो सभी लोगों को ध्यान होगा कि ये टनल कहाँ पर की है। ये टनल जो है बद्रीनाथ रूट में जोशीमठ से आगे एक जगह है पाताल गंगा, जोशीमठ के पास जी। ठीक है, ये जगह इतनी खतरनाक हुआ करती थी कि इस जगह का नाम ही इसलिए पाताल गंगा रखा गया था कि कभी अगर यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाते थे तो फिर उनकी गाड़ियों का और उन व्यक्तियों का मिलना नामुमकिन होता था। ठीक, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ऑल वेदर रोड को बनाया और उसके बाद जब ये बद्रीनाथ यात्रा रूट जब तैयार हुआ, और मैं स्वयं क्योंकि पिछले साल की यात्रा में जब गया मुझे इतना सुखद आश्चर्य हुआ क्योंकि मैं वहां का रहने वाला हूँ, उस रूट से मैं हमेशा गुजरा हूँ, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे उसके बाद से लेकर के जब हम जर्नलिज्म में आए हम इन तमाम रास्तों से गुजरते थे, और मैं सरप्राइज हुआ कि भाई वो पाताल गंगा वाला एरिया कहाँ कब चला गया। ठीक, तो इतनी शानदार सड़कें, इतनी चौड़ी सड़कें, इतनी बढ़िया सड़कें, और जहां ऋषिकेश से बद्रीनाथ पहुंचने में 2 दिन का समय लगता था, हम लोगों ने 6 से 7 घंटे में हम ऋषिकेश से बद्रीनाथ पहुंच गए। बिल्कुल ठीक है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने किया, भाजपा की ही सरकार के प्रधानमंत्री नेता ने किया है। ठीक, यही कारण है कि यात्रियों के लिए यात्रा सुगम हो गई है, लोग पहुंच रहे हैं वहां, लेकिन वहां जो व्यवस्था होनी है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक,
अभी मैं देख रहा था कि हम लोग मुख्यमंत्री वीआईपी दर्शन को लेकर के मुख्यमंत्री को सवाल खड़े कर रहे थे। देखिए, हर चीज को लेकर के राजनीतिक सवाल खड़े करना उचित नहीं है, ये अच्छी बात है। मुझे मेरे दृष्टिकोण में ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री आज केदारनाथ में थे, क्योंकि जो क्राउड हुआ, जो क्राउड था वो उन्होंने स्वयं देखा है वहां पे। वहां जो मिसमैनेजमेंट हुआ होगा वो भी उन्होंने स्वयं देखा है, क्योंकि वो सपरिवार थे और उनके साथ ही वहां धक्का मुक्की हो रही थी। जब वो मंदिर के दर्शन करके बाहर आ रहे थे तो उनके परिवार के साथ ही धक्का मुक्की हो रही थी, मैं देख रहा था। वो थोड़ा इसलिए अधिकारियों को ठीक है ना, वो उन्होंने खुद महसूस किया होगा, ठीक है। और बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि इसका फर्क दिखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है क्राउड मैनेजमेंट का। बिल्कुल, ये प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो कुंभ भी करवाता है, ठीक है, जहां लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ा विषय रहा है। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आप लोगों के चैनल पे भी ये खबर चली, उत्तर प्रदेश की है। जब राम मंदिर की स्थापना हुई तो राम मंदिर की स्थापना के बाद वहां जो पुलिस, योगी आदित्यनाथ जी ने जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो पुलिसिंग की वहां पर व्यवस्था की, जो यात्रियों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए, भक्तों के लिए जो व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश की पुलिस का को लेकर के एक दृष्टिकोण हुआ करता था कभी, लेकिन वहां से आने वाले लोगों ने हमें बताया कि भाई, हम तो बड़े सुखद आश्चर्य में थे कि भगवान राम के मंदिर में जो पुलिस वाले ड्यूटी दे रहे थे वो हाथ जोड़ के आपसे कह रहे थे कि आप इधर आइए, आप यहां से जाइए, ठीक है। ये व्यवस्था, ये तो अभी बना है अयोध्या का मंदिर, लेकिन ये तो आदि अनादि काल से चली आ रही यात्रा है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें व्यवस्थाओं को मेंटेन करना, सुनीता जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सवाल ही पूछे जाते हैं सत्ता पक्ष से, उन खूबियों को भी बता डाला कुलदीप राणा जी ने, जो वाकई लगता है कि हाँ, ये काम हुआ, इस तरीके से हुआ, जिम्मेदारी के साथ हुआ, तो उस बात का भी जिक्र किया उन्होंने, चाहे वो उत्तर प्रदेश से लेकर अयोध्या मंदिर का जिक्र हो। और लेकिन चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कब मौसम का मिजाज बदल जाए, प्राकृतिक जो आपदा है वो किस तरीके से कब आन पड़े, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि उन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार का क्या रोड मैप है, वो जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। जी सुनीता जी, अनम्यूट करिएगा, फाइनल कमेंट आपका। जी जी, देखिए मैं यही बोल रही हूँ कि इसी बात को मैं आगे कहने वाली थी कि हमारी सरकार द्वारा ये भी सुनिश्चित कर लिया गया है कि, इसीलिए जो वीआईपी वाली बात कही थी वो इसीलिए कही गई थी कि अभी वीआईपी मूवमेंट जो है वहां पे रोका जाए, लेकिन उन्होंने प्रदेश के मुखिया पर ही सवाल दागने शुरू कर दिए। तो ये चीजें जैसे सूबे का मुखिया है तो सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की जिम्मेदारी मुखिया की है। बिल्कुल, और जब वो ग्राउंड जीरो पर खुद हैं, अगर वहां पे कोई कमियां दिखती हैं तो निश्चित रूप से उनका ध्यान भी गया होगा, और जो हमारे पंडा पुरोहित हैं उन्होंने भी जरूर अप्रोच किया होगा। तो ये फर्स्ट डे में ही अगर इनकी समस्या वहां पे पंडा पुरोहितों की, हमारे जितने भी सम्मानित वहां पे व्यापारी गण है सबकी, आज ही अगर सुलझ जाए तो ये और भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन बात का बतंगड़ ना बने, श्रद्धालुओं पे इसका गलत असर ना जाए, और हम ये चाहते हैं कि देखिए, यही हमारी ये जो चारधाम यात्रा है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी, जो मैं कहूं आर्थिकी की एक रीढ़ की हड्डी है, जिससे हमारी आर्थिकी सुधरती है। हम लोग 6 महीना ये जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है, जो धार्मिक हम इन उसके बाद हमको मिलता है, उससे हम लोगों की रोजी रोटी चलती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थित हो, हर प्रकार से हम सुविधाएं दें। लेकिन आज जब एक छोटी सी जगह पे भी जाएंगे तो ये जो धक्का मुक्की वाला बात कर रहे हैं, ये तो वहां पे भी हो जाता है, तो यहाँ तो इतना बड़ा, तभी तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठता है कि अगर पहले से आकलन कर उन व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर लिया जाए तो शायद ऐसी स्थिति ना बने। और यही वजह है कि अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया, क्योंकि जो धामी है, सीएम धामी, वो ग्राउंड पर पहुंचे और उन्होंने जमीनी हकीकत को देखा, तब जाकर दिशा निर्देशित किया। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अक्षय तृतीया के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज जिस शुभ मुहूर्त के साथ हुआ, उसके साथ साथ उन तमाम सवालों को विपक्ष उठा रहा है, यानी कि व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि ये आंकड़ा जो है लगातार बढ़ने वाला है श्रद्धालुओं का, और इसको लेकर अब आगे किस तरीके की व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी सरकार की तरफ से, उस पर भी नजर रहेगी। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही, आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।